गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लीनियर इनइक्वालिटी 11th साइंस के लिए मैंने स्टार्ट कर रखी थी, ठीक है, क्योंकि कॉमर्स में तो है ही नहीं ये टॉपिक, तो मैंने साइंस में क्या कर रखी है, लीनियर इनइक्वालिटी 6.1 आपको करवाई है मैंने, सिंपल कैसे फॉर्म में लगाना है ये वैल्यू भी बता रखी है, और ग्राफ का एक फॉर्म भी मैंने, एक क्वेश्चन भी आपको समझाया था कि कौन सा शेडेड है और किस टाइप से सॉल्व करना है। आज 6.2 ग्राफिकली है तो उसी को मैं सॉल्व करना आपको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे फास्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, 6.2 में क्या दे रखा हुआ है, फॉर्म दे रखा है फास्ट एक्स प्लस वाई लेस देन 5 का फॉर्म है। अब लेस देन की वैल्यू है ना, तो ग्राफ का फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट होगा, किस फॉर्म से बनेगा, सबसे पहले लैंग्वेज एक बार फिर बता देती हूँ। तो आपको ऐसा करेंगे, ड्रॉ ग्राफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, आप क्या एज्यूम करते हो, 5 के फॉर्म को एज्यूम करते हो, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स का फॉर्म बन गया है, कैसे बन रहा है यहाँ पर देख लीजिए, जब एक्स इक्वल टू जीरो रखा तो वाई की वैल्यू 5, वाई इक्वल टू जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू 5 रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू हम जीरो रख रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की 5 हो गई, एंड वाई की हमने क्या रखी है, 0 रखी है, तो x की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, 5 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो क्या लिखोगे, लाइज ऑन इट, ठीक है। फिर हम जो भी लिखेंगे ज्वाइंट करेंगे, जो लाइन को ज्वाइन करेंगे वो हम यहाँ आपको बता देंगे। अब ग्राफ की वैल्यू देखो कैसे फॉर्म में, ये तो हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, पहला पॉइंट, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 5, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, फॉर्म कितना है, x प्लस y इज लेस देन 5 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। लेस देन का मीन यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है नीचे वाला शेडेड होना, ठीक है, ये शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इनके नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे मैंने इसका ए पॉइंट दे दिया है, बी पॉइंट दे दिया है, ज्वाइंट कौन सी करेंगे, लाइन ए बी, हो गया। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन का पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, अब इसको आप चेक भी कैसे कर सकते हो कि आपका फिगर नीचे वाला शेडेड हो रहा है, तो हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रखा है, सुन लीजिए, हाफ प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स प्लस वाई लेस देन 5 टू वर्ड ओरिजिन द बिलो द लाइन ए बी डज नॉट इंक्लूड द पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तो ग्राफ क्या शेडेड करेगा, नीचे की साइड में, क्या है, हाफ पोर्शन इसका नीचे की साइड में शेडेड करेगा, ठीक है। इसी टाइप से आप सेकेंड की वैल्यू ले लो, ये दे रखा है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, अब इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, लिखना तो आपको इतनी सी ही लैंग्वेज है, हमने लिखा लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितनी निकलेगी 6, पहला पॉइंट 0, 6 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 3, सेकेंड पॉइंट 3, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज आपने ड्रॉ कर रखी है। अब इसका ग्राफ का पोर्शन देखिए, ये बन गया आपके पास ग्राफ में वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, x एक्सिस हो गया है, ये हो गया है y एक्सिस का पार्ट। फर्स्ट है x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 6 और y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 3, तो ये वाला लाइन बन गई ना आपके पास, ठीक है। इक्वेशन कितनी बन गई है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट होगा, ये शेडेड होगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पॉइंट लिख लो 0, 6, 3, 0, ऊपर वाले में भी लिख सकते हो, फिर वही लैंग्वेज लिखनी है जो पहले वाले क्वेश्चन में लिखी है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो 5, 0 और 0, 5, ये हो गया आपका सेकेंड वाला ग्राफ भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब इसी टाइप से आप देखोगे कि थर्ड वाला ग्राफ दे रखा है, वो कितना है, वो दे रखा है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12,
वही आपको ड्रॉ करते वक्त पूरी लैंग्वेज का यूज करना है, ठीक है। लैंग्वेज मैंने पहले भी वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि किस टाइप से लैंग्वेज लिखनी है, अभी भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसमें सॉल्व कर रही हूँ कि लेट 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, देन x इक्वल टू 0, y की वैल्यू 3 होगी, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, मतलब 0,3 और 4,0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ गई है, ये हो गया है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स इक्वल टू 0 पर वाई की वैल्यू तो 3 हो गई, ठीक है। वाई इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ये बन गई आपके पास पॉइंट। अब ये कितना हो गया, 4,0, 0,3 है, लेस देन है, तो ये नीचे वाला पोर्शन रिप्रेजेंट हो गया, क्योंकि 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। आज मैंने जैसे अभी आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया, सेकंड वाला क्वेश्चन बता रही हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छे से आप उनको सॉल्व करोगे, आपका ग्राफ इजीली बन जाएगा। इस फॉर्म में आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि शेडेड पोर्शन कौन सा यूज करना है, ठीक है। अब यदि मैं इसमें एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि किस टाइप से इसका शेडेड पोर्शन निकाला जाता है, तो वो फॉर्म देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म आपके पास क्या दे रखा हुआ है, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x का फॉर्म दे रखा है। वैल्यू में क्या दे रखा है, अच्छे से यदि आप बुक ओपन करके बैठे हो तो आप देख सकते हो कि वैल्यू का फॉर्म क्या दे रखा हुआ है, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का फॉर्म है सिक्स वाले में कि y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, मतलब है 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 8 का फॉर्म दे दिया है। अब ग्राफ जब प्लॉट करना है तो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी कि लेट 2x माइनस y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी बन रही है, माइनस के 8 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखिए, किसको रिप्रेजेंट कर रखिए, माइनस 8 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखिए। यदि मैं इसमें देखूं कि माइनस के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखिए तो मेरा ग्राफ तो नेगेटिव पे भी जा रहा है ना, वैल्यू नेगेटिव पे भी बनेगी, नेगेटिव फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा यदि मैं सेटिस्फाई करना चाहूँ कि मेरे को इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, सुन लीजिए। मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 4 रखी, 4 2 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है, ठीक है। फिर मैंने x की वैल्यू 5, 5 2 10, 8 - 10 कितना होता है, 2 आता है, तो वैल्यू कितनी आ गई है, y इक्वल टू 2 को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मैंने रखी x की वैल्यू 6, तो 6 2 12 हो गया, मतलब वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रखी, y की वैल्यू 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही। यदि आपको ऐसा नहीं करना है कि ये वैल्यू को अरेंज ऐसे नहीं करना है तो आप वही 0 वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इजीली ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखिए, जैसे आप मैंने इसे बनाया तो भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, और 0 रखा तो वो माइनस तक ही जाएगी वैल्यू में, ठीक है। ये हो गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू तो 0 हो गई, x इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 हो गई है, 6 पर वैल्यू कितनी आ गई है, 4 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। मतलब ग्राफ आपका लगभग ऐसा बनेगा। यदि आप उसको बनाते हो तो x की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -8, मतलब नीचे के पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी ना ये, तो भी आपके पास फॉर्म ऐसा ही बनेगा। इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, ये इस टाइप से जा रही है ना वैल्यू, तो आपका जो शेडेड फॉर्म है ना ये रिप्रेजेंट होगा। अब ये कैसे हुआ है, तो हाफ रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो 0 0 सेटिस्फाई करना चाहिए, वैल्यू क्या करना चाहिए, 0 0 सेटिस्फाई करती है। फिर उसके बाद हाफ प्लेन वही रिप्रेजेंट करेगा टूवर्ड द ओरिजिन, तो इंक्लूड होगा उसका शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5th आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6th भी सॉल्व कीजिए, एक जैसे ही क्वेश्चन है, 5th भी ऐसा ही है, 6th भी, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वैल्यू में क्या दे रखा था। ये क्वेश्चन नंबर 6th ना होते हुए ये क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा था, आपका 4th क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, ये 4th वाला क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रखा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर
5 आप लोग खुद कीजिए, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है, किसको रिप्रेजेंट कर रखा है, 2 को। तो आपका जो ग्राफ का पोर्शन बनेगा इस टाइप से ही बनेगा, इधर और ऊपर की साइड शेडेड होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला भी देखोगे ना, तो वैल्यू ऊपर वाले ही नीचे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि ग्रेटर देन है पर नेगेटिव पार्ट में आ रही ना, तो शेडेड नीचे होगा। आप चाहो तो मैं करवा देती हूँ, 2x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 6 है, एज्यूम कर लो 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, ठीक है। x इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू माइनस 2, y इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 3 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हो ना, ग्राफ की वैल्यू अच्छे से देख लीजिए, ये आ गई 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये -1, -2 और ये -3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट, वही 1, 2, 3 इस टाइप से वैल्यू बन। एक्स इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, -2 है, y इक्वल टू 3 पर x की वैल्यू तो 3 आ गई है, तो ग्राफ की पोजीशन लगभग ऐसी बन गई है। ये बन गई है 3, 0, ये 0, -2 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है, पर ये ग्रेटर देन का पार्ट बन रहा है ना, ये बन रही है 2x-3y इज ग्रेटर देन 6, तो ये वाला शेडेड होगा। ध्यान रखना इसमें, इसमें कई चीजें क्या होती है कि इस पार्ट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप पॉइंट को ज्वाइन करो तो 0, 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस टाइप से ग्राफ भी यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 6th था, 7th आप लोग कर सकते हो, 8th भी आप लोग कर सकते हो, तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दोनों खुद करने के लिए कहती हूँ कि आप लोग खुद ट्राई कीजिए, अपने आप इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वाई इज लेस देन माइनस 2, लेस देन माइनस 2 के फॉर्म को दे रखा है ना, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ये वैल्यू आ गई 0, -1 और -2 के पार्ट को, ग्राफ की पोजिशन ऐसी बनेगी, लेस देन का फॉर्म है ना, तो नीचे वाला शेडेड होगा, ठीक है। अब इसकी लाइन कैसे लिखोगे, अच्छे से सुन लो आप लोग, ये लिख सकते हो आप, ड्रॉ द ग्राफ y इक्वल टू -2 विच इज द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस बिलो द x एक्सिस एट ए डिस्टेंस इज 2, 0, 0 डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। इस टाइप से वो ग्रेटर देन की वैल्यू का भी आप ग्राफ इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब देखा जाए तो ये ग्राफ आपके पास क्या है, सारे सिंगल फॉर्म में दे रखे, ग्राफ तो भी आगे 6.3 एक्सरसाइज में भी दे रखा हुआ है, पर आपको जब ग्राफ इसमें ड्रॉ करना है तो पहले सिंगल चीजें आपको करते आनी ही चाहिए। आप सिंगल चीजें कैसे ड्रॉ कर रखी है, जैसे सिंगल इक्वेशन है, वैल्यू सिंगल दे रखी है, तो आप ग्राफ इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छे से क्या करना है, सॉल्व करना है, ये वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे की जो ग्राफ में एक से ज्यादा लाइन हो तो कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।